अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियल एस्टेट अमर एंड बिल्डर्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके हैं फैसल टाउन में इस्लामाबाद में नहायत ही खूबसूरत लोकेशन पे वाकया 7 मरला डबल स्टोरी डबल यूनिट हाउस, जो कि बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ तैयार किया गया। आइए चलते हैं मुकम्मल इसका विजिट करते हैं। मजीद आपको थोड़ी सी इसकी तफसील देता चलूँ। इसका जो फ्रंट बनता है वो 30 फीट वाइड और बैक इसकी तकरीबन 60 फीट वाइड बनती है। आइए चलते हैं मुकम्मल टूर की जानिब। तो सबसे पहले हम खड़े हैं इसके कार रैंप पे। इजीली आप कार रैंप पे भी एक कार पार्क करेंगे तो वो गाड़ी रोड पे नहीं जाएगी, यानी इतना बड़ा इसका कार रैंप एरिया दे दिया गया है। मज़ीद हम फ्रंट पे आ चुके हैं इसके कार पोच में। बहुत ही खूबसूरत इसमें कार पोच दिया गया, एक इजीली सेडान कार पार्क कर सकते हैं और एक शॉर्ट कार पार्क कर सकते हैं। मेरे राइट जाने मौजूद है इसका ड्राइंग रूम और मज़ीद मेरे बैक पे इसकी एक्सेस है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की तरफ स्टेयर्स। तो ग्राउंड स्टेयर्स पे जो यूज़ किया गया वो जेट ब्लैक कलर का ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। इसमें अभी फिनिशिंग काम अभी हो रहा है। सबसे पहले हम चलेंगे इसके ड्राइंग रूम की तरफ, ड्राइंग रूम की एंट्रेंस लेंगे। ये हम आ चुके हैं इसके ड्राइंग रूम में। बहुत ही खूबसूरत इसका वाइड ड्राइंग रूम दिया गया है। टॉप पे बहुत ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन, फॉल सीलिंग की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस फॉल सीलिंग के साथ इस ड्राइंग रूम को डिज़ाइन किया गया। ग्राउंड पे बहुत ही ज़बरदस्त 2x2 की टाइल का यूज़ किया गया है। मज़ीद मेरे बैक पे आप देखें तो विंडो यूज़ की गई है जिस पे सेफ्टी ग्रिल्स भी इंस्टॉल्ड पहले से कर दी गई। अभी हम आ चुके हैं इसके पाउडर रूम में। सॉलिड दियार के डोर्स के साथ इसको बनाया गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बाथरूम बनाया गया है जिसमें इंग्लिश सीट का यूज़ किया गया है। पाउडर रूम शॉर्ट सा, मज़ीद बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग इसमें की गई है। फर्दर हम चलते हैं इसके लिविंग एरिया की तरफ और इसका लिविंग एरिया विज़िट करते हैं। ये हम आ चुके हैं इसके लिविंग एरिया में। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी गई है और सेफ्टी ग्रिल्स जिसमें पहले से इंस्टॉल्ड कर दी गई हैं। इसके बैक पे गैलरी अवेलेबल है। मज़ीद इस साइड पे देखें तो इसका आ जाता है किचन। ये हम आ चुके हैं इसके किचन में। बहुत ही ज़बरदस्त यूवी की शीट का यूज़ किया गया है। रेंज और बर्नर वगैरह इसमें इंस्टॉल कर दिया गया। मज़ीद इसमें वॉश बेसन अभी इंस्टॉल नहीं है जो कि इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये आप डायरेक्टली इधर से मेन गेट को देख सकते हैं। अब हम इसके चलेंगे फर्स्ट बेडरूम की तरफ और इसका फर्स्ट बेडरूम विज़िट करेंगे। ये हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। बहुत ही वाइड ये बेडरूम दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। मज़ीद आपको बताते चलें यहाँ पे वॉलड्रा एरिया टॉप टू बॉटम दे दिया गया है। मज़ीद पॉइंट्स दे दिए गए हैं मीडिया वॉल के लिए, बार गैलरी की तरफ जाने के लिए ये आप डोर यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके बाथरूम में। मज़ीद माजर चाहेंगे थोड़ी सी अभी इसमें सफाई बाकी थी, जिसमें बाथरूम में आप देखें तो इंग्लिश सीट का यूज़ किया गया है। शावर एरिया दे दिया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इसमें टाइल कलर कम्बिनेशन की गई है। फर्दर हम चलेंगे इसका सेकेंड बेडरूम विजिट करेंगे। ये अब हम आ चुके हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। बहुत ही वाइड ये भी बेडरूम दिया गया है। इसमें भी वॉलड्रा एरिया जो है वो दे दिया गया है और मज़ीद मीडिया वॉल पॉइंट्स, मीडिया के पॉइंट्स जो हैं वो भी इसमें इंस्टॉल कर दिए गए। अभी हम आपको इसका बाथरूम दिखा दें। ये भी बहुत ही वाइड दे दिया गया था आपको, बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम शावर एरिया इसमें सेपरेट कर दिया गया। तो फर्दर अब भी फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करेंगे। मज़ीद इसमें जो इसकी ओनर डिमांड है वो मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, इसकी ओनर डिमांड भी मेंशन कर देंगे। फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये घर आपको पसंद आया होगा। फैसल टाउन बहुत ही आइडियल लोकेशन है। मज़ीद ये एक्सेस देने को जा रहे हैं अभी श्रीनगर हाईवे को, तो ये बहुत एकदम में बूम करेगी प्राइसेस इसकी, तो लाजमी इन्वेस्ट करें। बहुत प्रॉफिट है इस प्रोजेक्ट में फैसल टाउन में। तो अभी चलेंगे हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करेंगे। मज़ीद आपको थोड़ा सा बताते चलें, ये बिल्कुल करीब तरह मार्केट से, ये ए ब्लॉक है फैसल टाउन का। बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकेशन, बहुत ही वाइड इसकी स्ट्रीट्स हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करते हैं। दोस्तों मौजूद है इसके फर्स्ट फ्लोर के टेरिस पे। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, वाइड बनाया गया है। ग्राउंड पर खूबसूरत टाइल का यूज़ किया गया है। ग्रिल वगैरह एलिवेशन के लिए बड़ी प्यारी यूज़ की गई है। स्ट्रीट व्यू आपको डे लाइट में ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा। टॉप पे इसके भी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया गया जो कि बहुत डिसेंट एंड खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं इसके लिविंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया के ये स्टेयर्स मेरे राइट साइड जानिब जा रही हैं, ये रूफ टॉप के ऊपर जा रही हैं।
जो बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है इन्होंने वुडन स्टाइल के साथ, इसका इसकी साइड ड्रॉप लगाई है। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह इंस्टॉल कर दी गई हैं। इसके लिविंग एरिया के ग्राउंड पर भी बहुत ही खूबसूरत 2x2 की टाइल का यूज़ किया गया है, जो कि इसकी लुक को मजीद डिसेंट एंड खूबसूरत कर रहा है। टॉप पे देखें तो फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है येलो कलर की रोड लाइट्स के साथ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरे राइट जानिब जो है आपको खूबसूरत सा किचन दे दिया गया है, ये इसके ऊपर रमाजत के साथ थोड़ी सफाई होने वाली है क्योंकि अभी ये वर्किंग हो रही है, इस पर काम लगा हुआ है। इसके अंदर रेंज हुड वगैरह इंस्टॉल कर दिया है, बर्नर इंस्टॉल आपको कर देंगे, ग्रिल वगैरह लगा दी गई है, वुडन वर्क बहुत अच्छी क्वालिटी का किया गया। दोस्तों ये ड्राइंग रूम दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत करके इन्होंने इसको भी तैयार किया है। इसके टॉप पे भी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है येलो कलर की रोप लाइट के साथ, और ग्राउंड पे टाइल का यूज़ किया गया है। इसके साथ शॉर्ट्स आपको पाउडर रूम भी प्रोवाइड कर दिया गया है, इसके अंदर भी इंग्लिश शीट का आपको ऑप्शन दे दिया गया है, और इसके अंदर सिंक वगैरह और जितनी भी एक्सेसरीज इंस्टॉल की गई हैं सारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉल की गई हैं, डीपली इसमें वर्क किया गया है। इसके अंदर 2 bedrooms पे फर्स्ट फ्लोर पर, आइए चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ और आपको उसके फर्स्ट बेडरूम का विजिट कराते हैं। इसके फर्स्ट बेडरूम वाइट बनाया गया है, इसके ग्राउंड पे भी वाइट एंड ग्रे कलर में टाइल का यूज़ किया गया है। टॉप पे फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है येलो कलर की रोप लाइट के साथ, जो कि मुझे बहुत डिसेंट लुक दे रही है। वार्डरोब को इसमें भी टॉप टू बॉटम प्रोवाइड कर दी गई है। वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड कर दी गई है, जो इसके साथ सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। इसके साथ ये ट्रेंड बाथरूम में, आइए चलते हैं बाथरूम में और आपको इसके बाथरूम का विजिट कराते हैं। इसके बाथरूम में डिसेंट सी टाइल का यूज़ किया गया है, इसके अंदर इंग्लिश सीट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, एसेसरीज सारी इंस्टॉल कर दी गई हैं, जितनी भी इंस्टॉल की गई हैं सारी इंपॉर्टेंट एसेसरीज इस्तेमाल की गई हैं। आइए चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ और आपके इसके सेकंड बेडरूम का भी, आपको इस घर के सेकंड बेडरूम का भी विजिट करा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत एंड वाइट बनाया गया है, इसके ग्राउंड में 2x2 की ग्रे एंड वाइट कलर कम्बिनेशन में खूबसूरत सी टाइल का यूज़ किया गया है। टॉप पे फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है रोप लाइट के साथ, जो कि इसकी लुक को मजीद डिसेंट कर रहा है। ये वॉल ड्रॉ देख सकते हैं, टॉप टू बॉटम आपको प्रोवाइड कर दी गई है। बहुत ही खूबसूरत वुड का इस्तेमाल किया गया है, मीडिया वॉल का ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है सेंटर में। बहुत खूबसूरत घर बनाया गया, डीपली वर्किंग की गई है। इसका साथ ही अटैच बाथरूम है, इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत टाइल यूज़ की है। इसके अंदर इंग्लिश सीट का आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, इसके अंदर जितनी भी एक्सेसरीज हैं सारी इंपॉर्टेंट लगाई हैं, और इसके जितने भी डोर्स हैं सारे दीवार के लगाए हैं। उम्मीद करेंगे घर आपको पसंद आएगा, ऐसे खूबसूरत घर हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि सके खूबसूरत घर मजीद आप इस चैनल पर देखते रहें। ये जो घर है इसकी डिटेल्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, मजीद डिटेल्स के लिए दिए गए नंबरों पर रब्ता करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।